I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece. Coloring. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जनाब, आज का आप टाइटल देख के समझ ही गए हैं कि मैं कहाँ पे आई हूँ। आज मैं आई हूँ मिनी पाकिस्तान में। जी जनाब, आपने सही सुना, मिनी पाकिस्तान, ए के ए ब्रेडफर्ड। ब्रेडफर्ड को एक्चुअली यहाँ पे लोकल सारे मिनी पाकिस्तानी कहते हैं। और वो क्यों कहते हैं, यहाँ पे एक्चुअली आपको हर दूसरी गाड़ी में ना आपको अपना एशियन दिखता है। आपको ऐसा फील ही नहीं होता है कि आप किसी अब्रॉड के किसी सिटी में बैठे हुए। वैसे तो यहाँ पे इंग्लिश लोग भी रहते हैं, आपके इंडियंस भी रहते हैं, बांग्लादेशी भी रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी इस वक्त जो है ना इस शहर में, वो हमारे अपने पाकिस्तानियों की है और स्पेशली पंजाब साइड से। अगर आप चाहते हैं ना प्योर पाकिस्तान वाली फीलिंग आए, लाइक गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद या फिर सरगोधा की फीलिंग आए, तो आप इस शहर में आ जाएं, आपको वही फीलिंग आने वाली है। आज की वीडियो बड़ी मज़े की बनी, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखें ना, बहुत इंजॉय करने वाले हैं आज की वीडियो। और बहुत से लोगों ने ये एक्चुअली मार्केट नहीं भी देखी होगी, जो नए नए अभी यूके आए हुए, ब्रेडफर्ड के इर्द गिर्द रहते हैं, नए नए, कि हम 10 सालों में रह के कभी नहीं देखने गए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, आज की वीडियो है हमारी कैनन्स मिल मार्केट के ऊपर। ये बहुत मशहूर मार्केट है ब्रेडफर्ड की, लोग बहुत दूर दूर से इसको देखने आते हैं। लाइक वी वेंट फ्रॉम मैनचेस्टर टू ब्रेडफर्ड जस्ट टू सी दिस मार्केट। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, चलो ये मार्केट यहाँ पे लगती है संडे के संडे, और यहाँ पार्किंग बिल्कुल फ्री है। अगर आप जल्दी आ जाते हैं तो आप मार्केट के नियर बाय पार्क कर सकते हैं, बट लाइक हम गए थे ऑलमोस्ट 12 बजे के करीब, तो हमें फिर ना बहुत ज़्यादा ना मतलब शुरू में पार्क करना पड़ी। उससे ये हुआ कि हमें चलना बहुत पड़ा। आपको पता है जहाँ फ्री की पार्किंग हो वहाँ तो हमेशा वैसे ही पहुँच जाते हैं। तो जो नियर बाय मार्केट की स्पेस थी ना, जहाँ पर आप मतलब पार्क करो और आराम से मार्केट विजिट कर लें, वो जगह सारी फुल थी इस वक्त। अभी तक तो पार्किंग लॉट ही नहीं खत्म हुआ। अच्छा, वहाँ से मार्केट शुरू हो रही है, अगर मैं दिखा सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आ गई, मतलब मैं चल चल के थक गई थी अभी। अच्छा जी, यहाँ से मार्केट शुरू है, और यहाँ पे देखें टिश्यू पेपर वगैरह के ना बल्क में रखे हुए ब्लॉक्स। अच्छा जी, यहाँ पे जो ये देर है ना अंकल, अंकल आपने क्या बताया, दोबारा बताएं प्राइस। और वो वाले कौन से? वो वाले 4 for 20 सही, और एक में 6 pack हैं ये, काफ़ी चीप है आपस की बात है ये, मतलब वैसे ये काफ़ी महंगे हैं अगर आप नॉर्मली शॉप से जाके लें। महंगा नहीं है लेकिन हैवी है। नहीं नहीं, वैसे मार्केट में जाते हैं आप जब सुपर स्टोर से, तो वहाँ पे ये महंगे हैं थोड़े। वो जो 25 pound का एक मिलता है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। अगर B&Q में जाओ ना, इससे हाँ थोड़ा सा बड़ा है, 25 pound का पूरा केस। सही 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 सही, तो देखिए मतलब कितना चीप लगा हुआ है। अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं तो आपके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। खैर, स्टूडेंट के हमारे लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है। अभी मैं सोच रही जाते हुए लेके जाऊंगी, थोड़े हैवी हैं ये, तो ये जाते हुए लेके जाऊंगी मैं इंशाल्लाह। अच्छा, इस तरफ ना कपड़े लगे हुए, ये लॉन्ग गाउन लगे हुए, जैसे हमने देखा था ना मैनचेस्टर में लगे हुए थे, इसी तरह यहाँ पे भी लगे हुए कपड़ों की वैरायटी बड़ी है यहाँ पे। ओ ये ला, 1 second मेरे हाथ से ये बेचारा उतर ही गया था। खैर, कपड़ों की वैरायटी से ना पूरा मैनचेस्टर और पूरा ब्रेडफर्ड भरा हुआ है आपस की बात है। ये देखें, ये टॉप्स भी हैं यहाँ पर। £5 ईच। अच्छा जी, ये जो गाउन लगे ना, ये 5 pound ईच लगे हुए। और हाउ मच इज दिस वन? 5 pound। ओके, सारे 5 pound के। वहाँ पे कितने के लगे थे? आई थिंक 5 for 20। 5 for 20 नहीं, हमारे मैनचेस्टर में लगे थे आई थिंक 10 pound के ना ऐसे गाउन्स। तो ये काफ़ी यहाँ पे सस्ते लगे हैं। अगर आप लोग आना चाहें, विजिट करना चाहें, तो इनकी पहली शॉप है। जैसे आप एंटर होते हैं ना अंदर, ये शॉप पहली शॉप है। ये देखें, खास सुकून ज़रा, ये देखें काफ़ी लंबे हैं ये, मतलब स्पेशली अगर आप समर्स वगैरह में, समर्स तो नहीं खैर विंटर के लिए ज़्यादा अच्छे हैं, समर्स के लिए तो थोड़ा गर्मी है अब तो। खैर, विंटर्स के लिए काफ़ी अच्छी है, मतलब आप टॉप के साथ ले सकते हैं ये, और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में लगे हुए कपड़े यहाँ पे। अच्छा, इस तरफ अबाए भी लगे हुए, वो सिंपल गाउन से ही अबाए हैं। और ये भी आई थिंक 10 pound के लगे हुए, इनके साथ स्कार्फ नहीं है लेकिन लगे हुए 10 pound के ये।
यहाँ पे बच्चों की वैरायटी भी लगी हुई, बच्चों के ड्रेसेस लगे हुए, और इस पे लगी नहीं है प्राइस, पता नहीं कितने के, मैं पूछती हूँ। वैसे आपस की बातें, धूप टिका के आज, वैसे तो निकलती नहीं है सूरज, निकला है तो इतना जबरदस्त निकला हुआ है। भाई बच्चों की वेस्ट कोट्स भी लगी हुई है, ये वाला भी अच्छा वेस्ट कोट। इस मार्केट की सबसे अच्छी चीज़ें कुल्फी थी, मतलब इस वक्त 30 डिग्री चल रहा था, तो फील ऐसे हो रहा था कि जैसे आप सिब्बी में खड़े। थोड़ी कॉस्टली थी, अराउंड 2 पाउंड की बेच रहे थे, मेरे हिसाब से 1 पाउंड की होना चाहिए थी, पर ये नेमत की तरह महसूस हो रही थी, और काफ़ी लोग इसको मतलब ना यहाँ से बाय कर रहे थे आइसक्रीम। अच्छा ऐसे संडे मार्केट्स ना, संडे मार्केट्स कम टू बी वाले, मुझे लगता है बजट मार्केट ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे कपड़े इतने चीप लगे हैं। अगर यही कपड़े आप किसी यहाँ शॉपिंग मॉल में या फिर किसी ऐसी दुकान में चले जाएँ, मतलब जो प्रॉपर शॉप बनी हुई है, यही कपड़े आपको 25-25, 50-50 pound में मिलते हैं। अभी जो मैं आपको ड्रेसेस दिखा रही हूँ 20 pound में लगे थे, और ये पार्टी वेयर ड्रेसेस थे, मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी चीप है, अगर मैं आपको बताऊँ जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन यहाँ सो फार रही है। अच्छा इस मार्केट सबसे अच्छी बात ये थी, यहाँ पे बच्चों की वैरायटी भी बहुत अवेलेबल थी, मतलब जो मैनचेस्टर मैंने मार्केट विजिट करी लास्ट टाइम, उसमें बच्चों की इतनी वैरायटी अवेलेबल नहीं थी, वहाँ ज़्यादा बड़ों की थी। अब जैसे 10 pound के ड्रेसेस लगे थे, 3 dresses 10 pound के थे, वन ड्रेस बाय कर लें आप 5 pound का, विच वॉज सो अफोर्डेबल ना, मतलब आप गर्मी आपने गुजारनी तो आप ये ले लें, 3 जोड़े मिल जाते हैं आराम से 10 pound के, क्या बुराई है। अच्छा जी ये जो ड्रेसेस है ना, ये जो लगे हुए हैं, ये 2 पीस लगे हुए हैं, और ये कितने के, ये 10 pound का ड्रेस है ये। अच्छा जो ये वाले थे ये 10 for 3 थे, लेकिन ये 10 pound का एक ड्रेस है, क्योंकि ये पूरा ड्रेस है, आई थिंक वो स्मॉल थे और ये एडल्ट्स के हैं, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है देखने में, ठंडा ठंडा सा लग रहा है बहुत देखने में कलर, क्योंकि इस वक्त तो बड़ी गर्मी पड़ी है भाई, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा जी यहाँ पे जो शॉप है ना, यहाँ पे ट्रेडिशनल जो बलोची टाइप के ड्रेसेस नहीं होते हमारे पाकिस्तानी, वो लगे हुए हैं, और वो 8 for each है या 15 pound for 2 है, और बच्चों के ड्रेसेस हैं एक्चुअली वो, और बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। टू पीस अंकल दिखाएंगे एक ड्रेसी ब्लू वाला, ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, अगर आपके घर में बच्चियाँ वगैरह है ना ईद के लिए, तो मतलब थोड़ा ट्रेडिशनल अगर आप चाहते हैं ना लुक, तो इस तरह के ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं बच्चियों पे। जो मतलब हमारे बलोची टाइप की कढ़ाई होती है, बलोची कढ़ाई है ना, कल ये बलोची है ना, बलोची, हाँ ये बलोची कढ़ाई है, बहुत अच्छी लगे बच्चियों पे। ईद के लिए आप यहाँ आ सकते हैं शॉपिंग करने के लिए अपने बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच अंकल। और यहाँ पे शॉल्स लगी हुई है, ये शॉल्स 5 pound for each है जी। ये नॉर्मल भी लगी हुई है, मतलब जो आप ये सिंपल नॉर्मल भी है यहाँ पर, और ये ना सर्दियों की भी है जो विंटर सीजन के लिए, विंटर वाली हुई है। हाँ जी ये विंटर नॉर्मल लोग लेते हैं ना शॉल्स, ही वो है ये वाली, ये सारे पतला पतला कपड़ा ही इस सीजन में चल जाएगा आराम से, लेकिन जो इस तरफ है ये वाली है सर्दियों के लिए। सो इस शॉप पे काफी वैरायटी है, बल्कि इन्होंने अहराम भी रखे हैं अगर मैं गलत नहीं। अच्छा स्कार्फ, ये स्कार्फ थे मर्दों के, मुझे लगा अहराम है ये। ये भी स्कार्फ है। अच्छा जी ये आम लगे हुए पाकिस्तान की सौगात, डिफरेंट फ्रूट्स लगाए हुए, लेकिन अंकल आपके पास फालसे हैं? फालसे फालसे एक गड्डी पे ही, फालसे कहाँ हैं? दो है। अरे ये फालसे थोड़ी अंकल, फालसे फ्रूट, फ्रूट वाला मैं वो फिर इंतजार के अंकल के सर पे गर्मी लग गई है, उन्हें पता नहीं उन्हें जामुन है आपके पास, कहाँ है जामुन, जामुन भी खत्म हो गए, इसका क्या करना। आम 2 for 10 pound, लेकिन है बहुत छोटा छोटा सा ये आम, बड़े भी ले लो ना, पिद्दू पिद्दू से आम है ये, बड़े देख लो। अच्छा ये कह रहे हैं यहाँ पे बड़े, और बड़े कैसे दिए अंकल, ये कैसे दिए आपने, ये 15 pound, 15 pound के 4 ना, 15 pound में एक है ये वाला। अच्छा 15 pound में अंकल को बेहोश का झटका लगने लगा था, 15 pound के 4, 15 pound का एक, और एक में 4 है, 8 है ये, सॉरी, और ये हाँ, और ये काफी बड़े साइज के, ये तो बहुत छोटे वाले थे ये वाले, लेकिन ये अच्छे हैं। वो 20 में, वो 20 और कितने का है, 20 pound में,
20 पाउंड में एक डब्बा है और कितने हैं? 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11 डब्बे हैं, 11 सॉरी हाँ, ये वाला बेहतर है उस वाले से। I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece, coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what I want to. सबको मौका दिया जाएगा, सबको मौका दिया जाएगा बाजी, ये दस दस में उठाना आपके लिए बाजी। अच्छा आप यहाँ पे नाम ले और चीज़ अवेलेबल है, चाहे आपने कुर्तियाँ लेने, फुल ड्रेस लेने, बच्चों के लेने, मर्दों के लेने, खुला कपड़ा लेना है, थान में से मतलब जो कपड़ा लिया जाता है, स्कार्फ्स लेने हैं, प्लेन लेने हैं, फैंसी लेने हैं, या फिर आपने लेने हैं फैंसी ड्रेसेस, वॉट एवर यू से आप सोचें, और इस मार्केट में वो चीज़ मौजूद थी और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल थी। और आपस की बात, इन बजट बाज़ार की खूबसूरती ये होती है कि कम से कम पैसों में आपको बेहतरीन चीज़ मिलती है। अच्छा जो कपड़ा वगैरह ना यहाँ पे ज़्यादा कपड़े पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं और ये फिर इसलिए चीप बेच रहे होते हैं, यहाँ पे जाहिर सी बात है इन्होंने अपना प्रॉफिट अर्न करना होता है। अब जो चीज़ रुपीज़ में बाय करते हैं उसके जाहिर से प्राइस कम है, आप पाउंड में बेचते हैं तो आपकी कॉस्ट रिकवर हो ही जाती है यहाँ पर। अच्छा इन मार्केट से आप चीज़ें ना बेझिझक होकर ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि लो क्वालिटी चीज़ें या सेकंड हैंड चीज़ें या फिर उनकी मटेरियल उनका चीप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बात ही होती है कि ये जब बल्क में चीज़ें बाय कर रहे होते हैं तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट निकालते हैं, बस बाकी उस चीज़ को मार्केट में बेच देते हैं। अब जैसे जेंट्स की शर्टें यहाँ 3-3 पाउंड की लगी थी, ऐसा नहीं था कि इसकी क्वालिटी चीप थी या फिर अच्छा मटेरियल नहीं था, बात ये थी कि इन्होंने जब बल्क में बाय करी, अगर 500-600 रुपये की पाकिस्तान से इन्होंने लिए, यहाँ ये 3 पाउंड की बेच रहे हैं, मतलब इनके पास प्रॉफिट बचत है आपका 2.5 पाउंड ऑलमोस्ट। 2.5 पाउंड इज़ मोर देन इनफ अगर आप एक शर्ट के पीछे बचा रहे हैं। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, यहाँ पे जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, मार्क एंड स्पेंसर हो गया या फिर आप ये ले लीजिए नेक्स्ट वगैरह, ये भी मेड इन पाकिस्तान चीज़ें ही बेचते हैं। बस बात ये होती है इनके ऊपर टाइटल लगा होता है, मतलब लेबल लगा हुआ है नेक्स्ट और मार्क एंड स्पेंसर का, और जो ये शॉप्स हैं इनके ऊपर कोई लेबल नहीं है, इसलिए बेचारे ये चीप बेच देते हैं। अब वो हमें लूट लेते हैं ये कह के कि हम वी आर फ्रॉम मार्क एंड स्पेंसर और नेक्स्ट में भी। अब जैसे आप पैडेड जैकेट्स देख रहे हैं, ये अज़रा टेस्को में भी 25-25, 30-30 पाउंड की लगी है, प्राइम मार्क में भी ये 20-20, 15-15 पाउंड की लगी हुई है, और यहाँ पे ये 11 पाउंड के बेचे थे, सिर्फ इसलिए कि इनके साथ कोई टैग नहीं था, अगर कोई टैग होता तो शायद ये भी 25-25, 40-40 पाउंड के बेच रहे होते। सो डू कंसिडर दीज मार्केट्स वैन यू कम टू यूके फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप पहली बार यूके आ रहे हैं तो इन जगहों से शॉपिंग आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है। बाय द टाइम जाहिर सी बात है जब आपके हालात थोड़े बेहतर हो जाते हैं, आप सेटल डाउन होते हैं, फिर आप कहीं से भी बाय कर लें, फर्क नहीं पड़ता। फिरते हैं पकौड़ों की खुशबू आ रही है, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि पकोड़े मिल किधर रहे हैं। उससे पहले ये देख लें, ये जंपर से लगे हुए फ्रंट से ही ओपन है, लगे हुए 8 पाउंड का ईच है या 15 पाउंड के दो हैं। अच्छा जी यहाँ पे लगे हैं पकोड़े, सही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, भूख भी लग रही है अब तो खुशबू से। फिर नाश्ता वाश्ता भी देते हैं, नान चने, लाहौरी पकोड़े, समोसे और दूध पत्ती, चना चाट। YouTube हम लेंगे लेकिन वो फ्रेश वाले, तो वहाँ पे कढ़ाई में बन रहे हैं। अभी दिखा देती हूँ शॉप, अगर किसी ने यहाँ विजिट करना हो, 110 फूड कॉर्नर। बंदा शॉपिंग करे ना वैसे ही भूख लगने लग जाती है। ये देखें फ्रेश फ्रेश आ गए पकौड़े, ना टिक्के बन रहे हैं, इसको देखो तुम पाकिस्तान की याद आ रही है। देसी कुकड़े, देसी बोटियां आ गया ने, पाकिस्तानी पकड़े इंचा लैम चापा मुकियां, देसी बोटियां रह गया थोड़िया, सोची प्यार तो बंदा गया थोड़िया रह गया थोड़िया। पहले तरह सेट पे कॉर्नर में I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece, coloring it how I want it to be, won't stop. I'm dreaming in dreams bigger than me,
taking my time, give in to me, paint my life into a masterpiece, coloring it how I want it to be. ये मिठाई है, मुझे याद नहीं इसका नाम, लेकिन मैंने पहले खाई भी है मिठाई. भाई इस मिठाई को क्या कहते हैं? इस मिठाई को क्या कहते हैं? इसको शक्कर पारे कहते हैं, खस्ता भी कहते हैं. शक्कर पारे और खस्ता. ये मरसे हैं. मरसे हाँ. नमक पारे. ये बूंदी है भाजी. ये बालों वाला पतीसा है. गाजर हलवा गरम है. मिठाई है. पानी पूरी है. फ्रेश मिठाई गरम गाजर हलवा 350 है. बस 350 भाजी. और जनाब जो लोग ब्रांडेड बैग्स अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन ब्रांडेड बैग्स रखने का शौक रखते हैं वो यहाँ से आके कॉपीज़ ले सकते हैं. ये फर्स्ट एंड सेकेंड एंड कॉपी नहीं थी, ये कॉपीज़ थी मेड इन पाकिस्तान. ये पाकिस्तान की बनी हुई थी. वहाँ पे 2 से 3 हज़ार की मिलती हैं, ज़्यादातर पिशावर और कोयटा साइड पर बनती हैं. और यहाँ पे ये 50 पाउंड 30 पाउंड के बेच रहे थे. मतलब शनैल प्राडा वाईएसएल को तो गश्के के दौरे पड़ते हैं, उन्हें पता चले कि 25-25, 30-30 पाउंड में उनके बैग यहाँ बिक रहे हैं उन्हीं के नाक के नीचे. बट ये बैग लेके अच्छा तरीका अपना शौक पूरा करने का. अच्छा यहाँ मैं एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ, अगर आपने अपना स्टॉल यहाँ लगाना है इस मार्केट के अंदर तो बहुत आसान है स्टॉल लगाना. कोई हैवी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी, प्रायर परमिशन नहीं लेनी, अपने कौन से परमिशन नहीं लेनी आपने. यहाँ इनका एडमिन ऑफिस बना है, आपने सिंपल वहाँ जाना है, 40 पाउंड पे करना है और आपने अपना स्टॉल लगा लेना है. आप अपना सामान बेशक गाड़ी में रख के ले आएँ और उसी दिन आप स्टॉल लगा लें जिस दिन आप परमिशन लेते हैं. और यहाँ पर इतनी पब्लिक आती है ना, मेरा मानना है कि यहाँ पर अच्छी खासी ना मतलब बिक्री होती है चीज़ों की, क्योंकि ये कचाकच भरी हुई जगह थी. ये मार्केट हफ्ते में एक दिन लगती है, वो है संडे का दिन, और सुबह 9 बजे से लेकर आई थिंक शाम 4:30 या 5:30 बजे तक ये मार्केट लगती है. तो काफ़ी मार्जिन होता है कि आप मतलब पूरा दिन का स्टॉल लगाएं तो कुछ ना कुछ आपका बिकेगा सामान. इवन अगर आप स्टूडेंट हैं तो यू कैन ऑल्सो ट्राई योर लक हियर, स्पेशली ड्यूरिंग हॉलीडेज. मतलब क्रिसमस की आती हैं, ईस्टर वगैरह की हॉलीडेज आती हैं, तो यहाँ पर आप फुल टाइम अपना स्टॉल लगा सकते हैं आकर. अच्छा जो यहाँ मैट्रेसेस और ये मिल रहे थे ना, पिलो वगैरह, काफ़ी सस्ते में लगाए थे और ये फ्री डिलीवरी साथ इसके ऑफर कर रहा था. और ये वाहिद गोरा बंदा था जो मुझे यहाँ दिखा था, बाकी सब हमारे लोग थे. जी यहाँ रखे हैं शादियों के खुस्से वगैरह. मतलब ये मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ यहाँ के मर्दाना खुस्से यहाँ कहीं मिल रहे हैं रखे हुए, मतलब नज़र आ रहे हैं. वरना ये मैंने अब तक कहीं नहीं देखे इतने अरसे में, फर्स्ट टाइम मुझे नज़र आ रहे हैं शादियों के. मतलब आपकी वेस्ट कोट्स भी रखी हुई हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर में रखी हुई हैं. ब्लू है, वाइट है, रेड है, गोल्डन है, सी ग्रीन है, काफ़ी कलर में, काफ़ी वराइटी इनके पास. और ये खुस्से रखे हुए हैं. अच्छा खुस्से नॉर्मल अगर आप मतलब ईद वगैरह पर पहनना चाहें तो ऐसे ही पहन सकते हैं, शादियों वगैरह के लिए ऐसे पहन सकते हैं. और कितने के खुस्से हैं? 5 पाउंड ईच. नॉट बैड, 5-5 पाउंड के लगे हुए. और क्या चाहिए आपको? ये देखें ऐसे वाले खुस्से, ये देखें 3 for 10. अच्छा 5 पाउंड का अगर आप लेते हैं तो 1 लेंगे, अगर आप 10 पाउंड के लेते हैं तो 3 लेंगे. अच्छा यहाँ बैग्स वर्ल्ड के नाम से ना एक जगह बनी हुई थी, यहाँ पे हर तरह का बैग रखा था और प्राइस रेंज थी 20 पाउंड से लेके 100 पाउंड तक की. और बहुत अच्छे अच्छे बैग्स रखे थे. मतलब 3 का सेट जो था वो 70-80 पाउंड का था, बाकी सिंगल बैग 40 पाउंड के थे, 35 के 40 के भी लगे थे. अंदर और भी बहुत लगे थे लेकिन बहुत ज़्यादा सफोकेशन थी अंदर, तो मैं इसे ज़्यादा गई नहीं बनाने वीडियो. कैसे लगाए यहाँ पे आप? 2 बॉक्स और 10 पाउंड. आपके फालसे हैं? फालसे जामन है. दिखाएं. एक्चुअली आज इतनी गर्मी थी ना जिसकी कोई हद नहीं, तो बेचारे के जो सारे जामुन थे ना वो रखे रखे गल गए धूप की वजह से. जब आप सब्जी और फ्रूट्स का काम करते हैं ना, उसका सबसे बड़ा लॉस यही होता है कि चीज़ गल जाए तो आपको फौरन डिस्कार्ड करना पड़ती है. और यहाँ पे लगा है गोला गंडा. गोला गंडा देखे ना, स्कूल की याद आ जाती है. बहुत खाया पाकिस्तान में. इसका फैंसी नेम है स्नो कोन्स, लेकिन आप गोला गंडा कहें तो ज़्यादा फील होता है. अच्छा I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece, coloring it how I want it to be, won't stop till I see what I want to see. ये रजाइयाँ रखी हुई हैं, ब्लैंकेट्स रखे हुए हैं, ये हमारी पटरियाँ रखी हुई हैं भाई.
ये देखें फैंसी भी रखे बड़े बड़े, कितने की भाई ये पतीली भाई? अरे जी देखिए झाड़ू भी रखी हुई है, अगर आपने लेनी हो तो ये भी अवेलेबल है, हमने ले लिए। अच्छा इन्होंने ले लिए, वो कह रही मैंने ले ली, मैंने लेनी नहीं, मैं ऐसे दिखा रही हूँ सिर्फ कि देखिए यहाँ पे क्या क्या नहीं अवेलेबल। कौन कहता है यहाँ कुछ अवेलेबल नहीं है भाई, सब अवेलेबल है। ये ले ली। खैर जनाब हमने बस यहाँ से एक क्ले पॉट लिया, उसके बाद हम घर की तरफ रवाना हो गए। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि कोई हाल नहीं था। बच्चे तो रोना शुरू हो गए थे क्योंकि बड़े वाले से तो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो कहते हैं घर चले, मैं टायर्ड हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा इस वक्त। अच्छा मैं आपको लेकिन एक टिप देती चलूँ, अगर आप इस मार्केट में जाते हैं तो प्लीज़ जॉगर्स पहन के जाइएगा। मैं सैंडल पहन के आ गई थी और उसके बाद जो घर जाके मेरे पाँव में खलियाँ पड़ी हैं ना, अल्लाह ही माफ़ करे। सो मेक श्योर करें आप कंफर्टेबल शूज़ पहन के आएँ क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा चढ़ना पड़ता है यहाँ पर। चलें जनाब बस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट बिलो, एंड डू लेट मी नो कि अगर कभी आप पहले कैनन मिल्स मार्केट गए हैं या नहीं गए। चलें जनाब अंटिल नेक्स्ट व्लॉग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। I'm dreaming in dreams bigger than me.